दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वैल्यूएबल वीडियो में। वेल, जो लोग अभी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और लेकिन उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनका बजट अभी इतना नहीं है कि 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके वो न्यू ब्रांड एसयूवी खरीद सकें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज वो ऐसी कुछ टॉप बेस्ट एसयूवीज़, यूज्ड एसयूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनको परचेज़ करके आप अपने एसयूवी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं, उनको चलाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना उन एसयूवीज़ के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सी बेस्ट एसयूवी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको फटाफट ऑन कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो फिफ्थ नंबर की जो गाड़ी आती है, टोटल मैंने 5 गाड़ियाँ सोची है आप लोगों के लिए एसयूवीज। तो शुरुआत करते हैं पहले फिफ्थ नंबर गाड़ी से। पाँचवें नंबर पर जो मैंने गाड़ी रखी है वो रेनो डस्टर की है। रेनो डस्टर रेनो कंपनी की मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवीज़ में एक रही है। इस गाड़ी का मार्केट में काफ़ी अच्छा दबदबा रहा है और आज भी इस गाड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। रेनो डस्टर 2016 से लेकर 2017 का वेल मेंटेन फर्स्ट ओनर गाड़ी, मात्र 40 से 50 हज़ार चली हुई, आपको इजीली मार्केट में 6 लाख से लेकर 6.5 लाख में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये गाड़ी आपको मार्केट में फर्स्ट ओनर गाड़ी, वेल मेंटेन गाड़ी मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। इस गाड़ी को परचेज करके भी आप अपना सपना एसयूवी का पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगली गाड़ी का नंबर आता है, वो है महिंद्रा की एक्सयूवी 500। एक्सयूवी 500 W7 या W8 मॉडल, 2016 से लेकर 2018 के बीच का मॉडल, फर्स्ट ओनर, वेल मेंटेन, मात्र 25 से लेकर 30 हज़ार चली हुई गाड़ी आपको मार्केट में इजीली 8.5 से लेकर 9 लाख के बीच में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ये गाड़ी महिंद्रा की मोस्ट और सबसे सक्सेसफुल एसयूवीज में से एक रही है। इसके भी मार्केट में चाहने वाले काफ़ी हैं। ये गाड़ी, सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी काफ़ी हद तक काफ़ी लिमिटेड है। तो इस गाड़ी को परचेस करके भी आप अपना एसयूवी का सपना कम बजट में पूरा कर सकते हैं। बाद अगली गाड़ी का जो नंबर आता है वो एसयूवी है सबकी पसंदीदा, हुंडई क्रेटा। जी हाँ, हुंडई क्रेटा 2017 से लेकर 2018 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, प्योर पेट्रोल वर्जन, मात्र 40 से लेकर 50 हज़ार चली हुई वेल मेंटेन एसयूवी आपको मार्केट में 8 से लेकर 8.5 लाख में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसका सबसे बड़ी खास बात है कि इसका जो माइलेज है वो 16 से लेकर 17 किलोमीटर के आसपास मिल जाता है पर लीटर पर, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, और आपकी इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको मार्केट में आराम से अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये गाड़ी भी चलाकर आप परचेस करके अपना एसयूवी का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगली गाड़ी जो एसयूवी जो मेरी भी फेवरेट है और सबकी फेवरेट है, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा 2019 से लेकर 2020 का ZXi प्लस पेट्रोल वेरियंट, फर्स्ट ओनर गाड़ी, मात्र 10 से लेकर 15 हज़ार चली हुई आपको आराम से मार्केट में 8.5 से लेकर 9 लाख में आराम से मिल जाएगी। ये भी मारुति की मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवीज़ में एक है। इसकी मेंटेनेंस भी जितनी कम है उसके अच्छा इसका माइलेज भी है। तो इस एसयूवी को परचेज़ करके आप अपना एसयूवी का सपना आराम से पूरा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी रीसेल वैल्यू मार्केट बहुत अच्छी है, इसके चाहने वाले मार्केट बहुत है, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार अगर किसी मार्केट में कह दिया कि मुझे एसयूवी बेचनी है तो आपको आराम से कस्टमर रीसेल वैल्यू में मिल जाएंगे। इसके बाद जो एसयूवी है वो हम सबके दिलों में बसी हुई है। वो एसयूवी नहीं, हम सबके वाकई में वो हम सबका इमोशन है, और वो एक ही गाड़ी है और वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। बिल्कुल सही सुना आपने, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2015 से लेकर 2017 का वेल मेंटेन फर्स्ट ओनर, 60 से लेकर 70 हज़ार चली हुई एसयूवी आपको इजीली मार्केट में 6 लाख तक से लेकर 6.5 लाख में आराम से मिल जाएगी। स्कॉर्पियो के चाहने वाले करोड़ों हैं, और ये गाड़ी इतनी मोस्ट पॉपुलर हो रखी है, इतनी मोस्ट सक्सेसफुल हो रखी है कि आज भी इस गाड़ी को ढूंढने से भी गाड़ी नहीं मिल रही है। और आपको अगर ये गाड़ी अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी मिल जाए तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल मत चूकना, इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत ही शानदार है। तो ये कुछ गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई है ये मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवीज़ में एक है। इसमें मैं अपनी तरफ से एक गाड़ी और ऐड करना चाहूँगा, और वो है टाटा सफारी। टाटा सफारी भी 2015-16 मॉडल, वेल मेंटेन्ड, फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ी, फर्स्ट ओनर में आपको मार्केट में इजीली 5.5 से लेकर 6 लाख में मिल जाएगी।
इसमें एक कमी यही है कि इसकी थोड़ी मेंटेनेंस आपको थोड़ी भारी पड़ेगी और उसका माइलेज बाकी एसयूवी से थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ ऐसी एसयूवीज, यूज्ड कार एसयूवीज जो आपको 10 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो ये वीडियो अगर आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बना सकता हूँ। और साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ अगर आपको जो आपको साथ में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको फटाफट ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नॉलेजेबल वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।